गृह मंत्रालय को भेजी गई शिकायत में कहा गया है कि एक दक्षिणी राज्य के राजभवन में काम करने वाली महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। राज्यपाल उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते हैं। गृह मंत्रालय ने आरोपी गवर्नर की पहचान गुप्त रखते हुए इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। यदि गवर्नर के खिलाफ आरोप साबित होता है तो उनसे इस्तीफा लेकर जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने इस मामले के तहत आरोपी गवर्नर को नोटिस नहीं भेजा है। सरकार जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इससे पहले पिछले साल जनवरी में मेघालय के गवर्नर वी संगमुंगनाथन पर भी यौन शोषण के आरोप लगे थे, तब उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा था। उन पर राजभवन को लेडीज क्लब जैसा बना देने का आरोप लगा था। राजभवन के 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से उनकी शिकायत करके जांच कराने की मांग की थी। शिकायत में कहा गया था कि राजभवन एक ऐसा स्थान बन गया है जहां राज्यपाल के प्रत्यक्ष आदेश से युवतियां अपनी मर्जी से आती जाती हैं। कई की पहुंच सीधे उनके बेडरूम तक है। राजभवन में नौकरी पाने की प्रत्याशी एक महिला ने भी आरोप लगाया था कि वो जब राजभवन में साक्षात्कार देने आई थी तो उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। राज्यपाल ने रात की ड्यूटी पर 2 जनसंपर्क अधिकारी, एक बावर्ची और एक नर्स को नियुक्त किया था जो सभी महिलाएं थी। वो महिला स्टाफ को ही पसंद करते थे। इससे पहले साल 2009 में बतौर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी की एक सेक्स सीडी सामने आई थी। उस वीडियो क्लिप को एक तेलुगु चैनल ने प्रसारित किया था, जिसके बाद एनडी तिवारी को राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।